नमस्कार, मैं निशि वाइटर, स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तस्वीरों से आपने इस बात का जायजा तो लगा ही लिया कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज कहाँ मौजूद है। तो मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हम उत्तराखंड की राजधानी के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ हम आपको हालातों का जायजा देखेंगे और इसके साथ ही उन अनदेखी तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो शायद कागजों तक पहुँचने के बाद बदल जाती है। मैं आपको बता दूँ कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम हकीकत पर विश्वास रखती है, निष्पक्ष चीजों पर विश्वास रखती है, इसलिए आज हम खुद हकीकत दिखाने के लिए यहाँ स्टेशन पर मौजूद है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं कागजों तक पहुँचते पहुँचते ये पलट जाती हैं और कहीं ना कहीं आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि सबसे अच्छा जो रेलवे स्टेशन है वो सिर्फ और सिर्फ देहरादून का है। तो अब मैं आपको तस्वीरों से रूबरू कराती हूँ। सबसे पहले शुरुआत की जाएगी कोविड नियमों का, किस तरीके से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। ट्रेन का समय हो चुका है, यहाँ से अब यात्री निकलकर बाहर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ मौजूद है। ट्रैफिक का कोई यहाँ पर संचालन करने के लिए पुलिस प्रशासन नहीं मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जो लाइन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी मौजूद है, ट्रैफिक का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ अब सड़कों पर आ जाते हैं कि यहाँ आपकी सड़कें किस तरीके की हैं। तो रेलवे स्टेशन यानी कि जो भी बाहर से यात्री आते हैं वो क्या दर्शाते हैं कि बाहर जो रेलवे स्टेशन है उससे जो बाहर तस्वीरें देहरादून स्मार्ट सिटीज को जो एंटर करती है वो तस्वीरें कुछ इस तरीके की है कि शुरुआत ही गड्ढों से होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही एक इतना बड़ा गड्ढा है। सड़कें किस तरीके की बनी है, किस मटीरियल से बनी है, वो भी आप इस चीज़ से जायजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सड़कें हैं। ये मेरे, मैं उलट भी दिखाना चाहूँगी कि ये एक डायवर्जन तो बंद कर दिया गया है लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको बिल्कुल भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा किस तरीके की यहाँ पे स्वच्छता व्यवस्था का पालन किया जा रहा है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी तस्वीरों से रूबरू कराएंगे क्योंकि इस वक्त मौजूदा स्थिति उत्तराखंड में क्या बनी हुई है। क्योंकि 14 फरवरी को यहाँ पर चुनाव का आयोजन होना है और ये कोई आम बात नहीं है, यहाँ पर आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। इसके तहत जो 48.5 घंटे के अंदर सरकारी प्रॉपर्टी से पोस्टर्स हटाने का काम किया जाना था उसको लेकर भी सवाल जवाब करना बनता है। तो इसी के साथ मैं दिखा देती हूँ कि ये पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कि स्टेशन से आगे जाके जो पार्किंग है, मसूरी बस अड्डा जिसे कहा जाता है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं सड़क पार की कि स्टेशन के सामने कूड़े का कचरा, यानी आप देख सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी के हालात को कितने बढ़िया तरीके से दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं कि कूड़े का ढेर किस तरीके से लगा हुआ है, ये कहीं कोई आम बात नहीं है। यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है इसको मद्देनजर रख के ये कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी पर एक काला धब्बा है कि जो बाहर से यात्री आ रहे वो देहरादून स्मार्ट सिटी का अगर एंटर करते हैं तो क्या तस्वीरें जो हैं वो देख सकते हैं। इसी के साथ हम और आगे जाते हैं और आचार संहिता का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है उस पर भी हम बहुत बड़ी इस पर खुलासा करने वाले हैं। इसी के साथ हम ये भी दिखा देते हैं कि जब पोस्टर्स हटाने का काम किया गया था सरकारी प्रॉपर्टी से उसका भी हाल दिखा देते हैं। ये जो ये है स्टेशन की दीवार और स्टेशन की दीवार पर किस तरीके से पोस्टर लगाए गए थे, तो यहाँ पर जो बाद में पोस्टर्स हटाने के बाद कूड़ा उठाया जाता है उसको किस तरीके से नगर निगम ने काम किया वो भी दिखाना बेहद ज़रूरी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ होल्डिंग्स लगे हुए हैं, उनसे सरकारी पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। ये जो दीवार है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो दीवार है वहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए थे आम आदमी पार्टी के, आप देख सकते हैं कर्नल अजय कोचियाल की गारंटी के पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन इन पोस्टर को जब नगर निगम द्वारा हटाया गया, सरकार द्वारा नियमों के तहत हटाया गया, पर कूड़ा यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। आप पूरी लाइन में देख सकते हैं कि इस कूड़े को उठाने का किसी ने जिम्मा नहीं उठाया, कूड़ा लगातार यहाँ पर बिखरा हुआ है, कोई पुलिस प्रशासन की वो नहीं। और मेरे उलट तस्वीरें दिखा लीजिए दीवार के, जहाँ पर बड़ा बड़ा तस्वीरों में लिखा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। क्या आप पता है कि आपके शहर की सभी सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय गूगल मैप पर अंकित है और स्वच्छता की ओर एक कदम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखा गया है देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर। पर मेरी जो पीछे की तस्वीरें हैं वो शायद कहीं ना कहीं सरकार के इस पोस्टर को झुटला रही है और साथ ही साथ सरकार की जितनी भी ये बातें हैं उन सबको झुटला रही है कि ये जो हालात है ये कौन सा स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और सरकार से सवाल बनता है कि क्या
इन सब नियमों के पालन करने के बाद इनका जायजा लेना भी अनिवार्य नहीं है क्या? इसके अलावा और भी तस्वीरें हैं जो स्मार्ट सिटी की मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि रेलवे स्टेशन के जब ये हाल है, यात्री बाहर से बाहरी राज्यों से लोग यहाँ स्मार्ट सिटी में एंटर कर रहे हैं और ये जो हालात है वो कहीं ना कहीं देहरादून स्मार्ट सिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, यहाँ की सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि किस तरीके का यहाँ पुलिस प्रशासन और प्रशासन काम कर रहा है। बनी रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, लगातार तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।